वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक तो रेडियो रिपेयर करके हम आपको दिखाएंगे। तो रेडियो पहले मेरे पास एक बार आया था, जो इसका जो बैटरी कनेक्शन था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको कुछ दिन पहले बनाया तो इसमें मैंने वो जो मोबाइल चार्जर से ये चलता है ऐसा बना दिया। ठीक है, तो अभी तो बंद हो गया, पार्टी मेरे पास लेके आया है, तो मैंने इसको देखूंगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मेरे साथ आप भी देखिए, और जिसको ये नहीं देखना है वो स्किप करके चला जा सकता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको पसंद होगा देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम भी देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो देखते रहिए। पहले मैं इसका स्क्रू खोलूँगा, इसमें चार ठो स्क्रू है, 1 2 3 और अंदर में एक टू है, चार टू स्क्रू है। इसको खुलने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते रहिए। तो ये ओपन करने के पहले मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ऑन करके देखिए, ऑन है, हाँ ऑन है, मगर नहीं बज रहा है। ठीक है, तो मैं इसको खोलूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा, तो देखते रहिए। तो मैंने चारों स्क्रू खोल लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अभी ओपन करेंगे, देखिए मैंने ओपन किया, ठीक है पूरा ओपन कर लिया। तो मैंने यहाँ पर एक तो बैटरी डाला है, जो बैटरी से चलता है, और चार्जिंग सॉकेट लगा दिया। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे, और यहाँ पर करंट आता है या नहीं देखेंगे पहले, तो देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक रेड है और ये ब्लैक है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला एक तो रेड है और ये ब्लैक है, यहाँ से सप्लाई होके, यहाँ से ये रेड और ब्लैक से यहाँ पर जाता है, बोर्ड में सप्लाई जाता है। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर सप्लाई है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर और चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं मोबाइल का चार्जिंग ऑन करता हूँ। हाँ, अभी इसका पॉइंट हम दे देता हूँ, ठीक है मैंने लगा दिया। अभी वहाँ पर चेक करेंगे, हाँ पॉजिटिव वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखते रहिए। मैंने 20 वोल्टेज में रखा है, तो अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर वोल्टेज है या नहीं। हाँ, यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है, 4.75 वोल्टेज कुछ आसपास होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है, तो बोर्ड में आ रहा है, मगर उसके बाद नहीं साउंड हो रहा है। तो मैं ये जो यहाँ का जो नॉब है, दो ठो नॉब है, ये मैं ओपन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्विच है। ठीक है, तो हम दिखाएंगे, तो देखते रहिए। तो ये स्विच के अंदर में स्क्रू है, ये खोलने से ये बाहर आ जाता है, दोनों में अंदर में स्क्रू है। ठीक है, तो इसको खोलने में बाहर आ जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर जो स्विच है, इसमें ये वॉल्यूम कंट्रोल है, और ये चैनल पकड़ने के लिए ये कंट्रोल है। ठीक है, और इसके साइड में ये दोनों जो ये जो साइड है, ए और ए, ये ऑन ऑफ स्विच का काम करता है, यहाँ पर नेगेटिव को काट ऑफ करता है। ठीक है, ऑन करने में नेगेटिव यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ से सर्किट से यहाँ पूरा आईसी में चला जाता है। तो पहले हम देखूँगा बोर्ड में कहाँ पर सप्लाई जाता है, ये जो रेड और ब्लैक वाला जो कॉर्ड है, ये बोर्ड में कहाँ पर जाता है वो पहले मैं देखूँगा। ठीक है, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो पहले ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, तो देखते रहिए। तो मैंने बोर्ड को यहाँ से स्क्रू निकाल दिया, तो अभी ये बोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए, ये पूरा बोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अभी देखिए कहाँ पर पॉइंट जाता है, ये जो रेड वाला पॉइंट है यहाँ पर जाता है। ठीक है, और ये दोनों येलो और ब्लू जो पॉइंट है वो स्पीकर का पॉइंट है। ठीक है,
ठीक है, और ब्लैक जो है ब्लैक हो ब्लैक सीधा ये स्विच में जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो स्विच है, ठीक है, यहाँ पर जो स्विच है स्विच में जाता है, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला यहाँ पर जाता है, ठीक है, और रेड वाला यहाँ पर जो रेड है, ठीक है, ये जो रेड है, रेड यहाँ पर, इसका मतलब है इस पॉइंट में रेड जाता है, ठीक है, इसमें रेड जाता है और इसमें है ब्लैक, तो इसमें हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, तो देखते रहिए। तो मैंने पहले सप्लाई चेक करूँगा, ठीक है, ए वाला जो है नेगेटिव है और ए वाला जो है पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर सप्लाई जा रहा है, अभी यहाँ से यहाँ पर सप्लाई नहीं है, शायद ऑफ है, हाँ ठीक है, ये ऑफ था, अभी ऑन कर दिया, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव में ए वाला लगा के हम देख रहे हैं यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं, हाँ ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, हाँ यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो ये स्विच ठीक ही है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से सीधा लेकर यहाँ से पूरा ये जो ग्राउंड है, ये आईसी का ग्राउंड है, हम ग्राउंड में टच करके हम देखेंगे सप्लाई है या नहीं, ठीक है, तो देखते हैं ग्राउंड में टच करके देखते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है यहाँ पर जाता है, ठीक है, हाँ तो इसमें कौन सा आईसी है दिखाते हैं हम आपको, तो इसमें जो आईसी है सी एक्स से 16 19 1619 BS, ठीक है, तो इसका जो सप्लाई, इसका जो पिन है, इसका पिन जो ए वाला है 28 नंबर पिन ग्राउंड है और 26 नंबर पिन पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, तो हम देखेंगे, ठीक है, तो देखते रहिए, हाँ तो इसका जो आईसी का पिन 1 नंबर पिन और 28 नंबर पिन ग्राउंड है और इसका जो पिन नंबर 26, हाँ तो ए वाला पिन यहाँ से लेकर यहाँ से ए वाला पिन जो है वो 26 नंबर पिन 27 28, हाँ 26 नंबर पिन पॉजिटिव सप्लाई है, तो हम अभी देखेंगे जो इसमें, दोबारा मैं दिखाता हूँ, ए पिन जो है ये 28 नंबर पिन है और ए वाला जो पिन है 28 27 और 26 26 पॉजिटिव सप्लाई है, ये देखिए यहाँ से लेकर ये रेड पिन में जाता है, ठीक है, हम आईसी पिन में चेक करेंगे आईसी में सप्लाई जाता है या नहीं, तो देखते रहिए, तो ए वाला जो 28 नंबर पिन हाँ ग्राउंड है और 26 नंबर पिन में हम टच करते हैं, हाँ यहाँ पर सप्लाई जा रहा है, तो इसका मतलब है आईसी में सप्लाई जा रहा है, तो आईसी में सप्लाई जाने का मतलब है तो स्पीकर में साउंड आना चाहिए, ठीक है, तो मेरा इसके बाद जो मेरा काम है स्पीकर चेक करना है, स्पीकर सही है या नहीं, तो देखते रहिए, तो मैंने पहले इसका जो सप्लाई है वो ऑफ कर दूंगा, ठीक है ऑफ कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, एक कांटा वाला मीटर से हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, अगर ये सही होगा तो कंटिन्यूटी आएगा और अगर ख़राब होगा तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा, तो मैं एक साइड का पिन ओपन करूंगा, तो मैंने ओपन कर दिया, ठीक है येलो वाला पिन ओपन कर दिया, अभी हम टेस्ट करके देखेंगे, ओम्स रेंज में हम रखेंगे इसको, ठीक है, ठीक है कांटा पूरा जा रहा है, अभी देखिए हाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्पीकर ख़राब है, तो इसलिए नहीं जा रहा है साउंड, ठीक है, तो मैं पहले इसका स्पीकर चेंज करके पहले देखूंगा, तो देखते रहिए।
मेरे पास एक टू स्पीकर है, तो मैं यहाँ पर फिटिंग करूँगा। हाँ, तो मैं पहले ऊपर में तार लगा के टेस्ट करूँगा, ठीक है? तो देखते रहिए। तो मैंने स्पीकर लगा दिया, अभी ऑन करके देखते हूँ, ठीक है? ऑन कर दिया, स्विच को बढ़ाते हैं। हाँ, ये रेडियो रेडियो। हाँ, देखिए तो ये ऑन हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब है इसका स्पीकर खराब था, इसलिए नहीं बज रहा था। तो मैंने कनेक्शन दिखा दिया, जो यहाँ से नेगेटिव ऑन ऑफ करके, हाँ, कट ऑफ करके, यहाँ से रेड पिन सीधा यहाँ पर 26 पिन में जाता है, और ग्राउंड सीधा जाता है 28 पिन में, और यहाँ पर साउंड आएगा, ठीक है? तो मैं स्पीकर फिटिंग करूँगा, पूरा फिटिंग करने का बाद दिखाते, तो देखते रहिए। मैंने यहाँ पर स्पीकर लगा दिया, तो अभी ये बोर्ड पूरा फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने का बाद दिखाते हैं, तो देखते रहिए। तो मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, तो कुछ दिक्कत हो रहा था, जो इसका जो मैग्नेट मैग्नेट जो है, ये थोड़ा छोटा है, इसका मैग्नेट थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा हेर फेर करके यहाँ पर बिठा दिया। अभी मैं पूरा पैकिंग कर दूँगा, ठीक है? पैकिंग करने के बाद दिखाते हैं, तो देखते रहिए। तो मैंने पूरा इसको डाल के टाइट कर दिया। हाँ, अभी ऑन करके दिखाते हैं, तो देखते रहिए। ऑन कर दिया, अभी चार्जिंग जो सॉकेट है वो लगाएंगे। हाँ, एक बार लगा दिया, अभी ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये मेरा रेडियो रिपेयरिंग हो गया, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।